हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन प्लस की U1S 4K स्मार्ट टीवी, जो कि है 65 इंच की। तो वन प्लस ने जब ये लॉन्च करी थी तो तीन स्मार्ट टीवियां लॉन्च करी थी, जो कि एक तो 50 इंच की थी, एक 55 इंच, एक 65 इंच। तो 50 इंच के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो। मेरी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज भी हैं। देन आज हम बात करने वाले 65 इंच के बारे में, और इसमें ना उस स्मार्ट टीवी से काफी अलग स्पेसिफिकेशन है, मतलब चीजें 50 इंच से अलग है। तो इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ एंड बात करने वाले हैं इसके फीचर वगैरह के बारे में, और भी काफी चीजें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और जान लेते हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीज मिलती है। तो आपको कुछ ऐसा बॉक्स मिलेगा, सामने की साइड कुछ स्पेसिफिकेशन है, अंदर की साइड आपको स्मार्ट टीवी मिल जाती है, देन आपको मेटल स्टैंड मिलते हैं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। हाँ भाई, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के आपको ये मेटल स्टैंड मिलते हैं। देन आपको एक रिमोट मिल जाता है, बैटरी मिलती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, ऑडियो वीडियो की आपको केबल मिल जाती है। तो ओवरऑल चीजें इसके बॉक्स में आपको यही मिलती है, जो कि काफी ठीक है, मतलब जरूरत की चीज है भाई, यही मिलती है और तो एक्स्ट्रा होता नहीं है। एंड बात करें इस स्मार्ट टीवी की, तो स्मार्ट टीवी काफी प्रीमियम है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, सही में भाई काफी प्रीमियम स्मार्ट टीवी है। देन बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको ये स्मार्ट टीवी मेटल की मिल जाती है और इसके जो स्टैंड है वो भी मेटल के हैं, तो ऑल चीजें मेटल की हैं, बस रिमोट छोड़ के, भाई रिमोट प्लास्टिक का ही है। तो स्मार्ट टीवी मेटल की है, स्टैंड मेटल की है, जो कि काफी ही बढ़िया, और देखो लुक वाइज स्मार्ट टीवी जो प्रीमियम स्मार्ट टीवी लगती है, देखने में लगती क्या भाई है ही है। और देखो वन प्लस का क्या है, वन प्लस एक ऐसी ब्रांड है जिसपे लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि देखो अगर मैं भी कोई वन प्लस का स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ या आप कोई यूज कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस जो है ना उसके साथ काफी बढ़िया है, तो एक अटैचमेंट हो जाती है कस्टमर और वन प्लस कंपनी के बीच, तो इसलिए लोग वन प्लस की चीजें खरीदते हैं और काफी बढ़िया तरीके से भाई काम करती है, मतलब इसका हार्डवेयर से लेके इसके साथ एक्सपीरियंस जो होता है वो काफी अमेजिंग होता है लोगों का, चाहे वो आप हो चाहे वो अदर हो, मतलब बढ़िया ही एक्सपीरियंस होता है वन प्लस के साथ। देन बात करें इसके पैनल की, तो आप देखो इसके बेजल्स देखो काफी स्लिम बेजल्स हैं, जिसके कारण इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 95%, और जो कि भाई काफी प्रीमियम लुक इस स्मार्ट टीवी को देता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रीमियम स्मार्ट टीवी है, देखने में कमाल की है भाई साहब। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में। तो आपको इसमें 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, 2 जो आपको USB पोर्ट मिलते हैं, और आपको RJ का इसमें पोर्ट मिल जाता है, ऑडियो वीडियो के भी आपको इसमें पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि सही है क्योंकि पोर्ट्स तो पूरे ही है इसमें, कोई कम नहीं है कि भाई आपको ये पोर्ट्स नहीं मिलता, आपको पोर्ट्स पूरे मिलते हैं, जो जरूरत के पोर्ट्स होते हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं। देन बात करें इस स्मार्ट टीवी के स्पेसिफिकेशन की, तो आपको इसमें MediaTek क्वाड कोर का आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है, 2 GB की आपको रैम मिलती है, 16 GB की आपको इसमें स्टोरेज मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया है। देन और भी चीजें और भी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, जैसे कि इसमें गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट आपको मिलता है, और ये स्मार्ट टीवी जो है इसके नीचे की साइड एक बटन है, आप बटन से गूगल असिस्टेंट को चालू कर सकते हो, तो ये 4 रेड लाइट जलेंगी जो कि लोगों से नीचे है, वन प्लस के लोगों से नीचे, अगर आप उसको ऑफ करना चाहो तो आप ऑफ भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट स्मार्ट टीवी से बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप रिमोट से गूगल असिस्टेंट चालू करो तभी चालू हो, आप डायरेक्ट भी कन्वर्सेशन कर सकते हो स्मार्ट टीवी से, जो कि काफी अमेजिंग है, और आप चाहो तो रिमोट से भी कर सकते हो, आप चाहो तो स्मार्ट टीवी से भी बोल के कर सकते हो, मतलब आपके हाथ में, आप उसको ऑन भी कर सकते हो, आप उसको ऑफ भी कर सकते हो, मतलब गूगल असिस्टेंट का आपको सपोर्ट इसमें मिलता ही मिलता है। देन बात करें कनेक्टिविटी की, तो आपको इसमें ब्लूटूथ 5.0 आपको मिलता है, देन आपको इसमें डुअल बैंड का आपको इसमें वाईफाई भी मिलता है, जो कि काफी बढ़िया। देन आप ऊपर की साइड देखो, ये देख रहे होंगे ये क्या चीज है, तो ये कैमरा है, इसमें माइक भी है, मतलब कि आपकी अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हो रही तो आप इसको स्मार्ट टीवी में लगा के वो वीडियो कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर सकते हो, मतलब कि काफी क्लियर आएगी चीजें, आपको काफी बढ़िया लगेंगी और आपको सुनाई भी देगी। बट ये इसके साथ नहीं है, ये एसेसरीज आप अलग से परचेस कर सकते हो, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें लगा के अपना यूज कर सकते हो, मतलब सपोर्ट आपको इस स्मार्ट टीवी में मिलता है कि आप अलग से कोई कैमरा लगा के, और अलग से उसमें माइक भी है तो आप अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हो, काफी बड़ी स्क्रीन है, मजा आ जाएगा और काफी क्लियर आपको वॉइस वगैरह एकदम सुनाई देगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके OS की, तो आपको इसमें Android 10 का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है, देन आपको इसमें ऑक्सीजन प्ले 2.0 आपको मिलता है, तो Android 10 जो है उसके साथ में आपको एक डाटा सेवर का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब जिससे आप अपने डाटा को सेव कर सकते हो, तो ये चीज अमेजिंग है।
देन बात करें ऑक्सीजन प्ले के बारे में, तो आपको इसमें बहुत सी चीजें अपग्रेड मिलती है। जैसे ऑक्सीजन प्ले में काफी चीजें आती हैं बट उसमें कुछ चीजें कम होती हैं, तो इसमें आपको काफी चीजें अपडेट मिलती है। जैसे वीडियो का आपको ऑप्शन मिलता है, स्पोर्ट्स का मिल जाता है, सीरियल्स का मिल जाता है, और न्यूज का आपको इसमें कुछ लाइव न्यूज का भी ऑप्शन जो है आपको बढ़ चुके हैं, मतलब कि पहले कम थे अब बढ़ चुके हैं, तो ये चीज आपको इसमें मिल जाती है जो कि काफी बढ़िया। न्यूज सुनो बस, कोरोना की मत सुनना, और सब न्यूज आप सुन सकते हो, मतलब कि भाई यार बहुत ज्यादा हाइप फैला देते हैं, तो इसलिए न्यूज सुनो कम सुनो, ऑप्शन आपको सब कुछ मिलने वाले हैं। तो ये 65 इंच की स्मार्ट टीवी है, मजे से बड़ी स्क्रीन, बड़ा मजा, घर में देखो पॉपकॉर्न के साथ कुछ भी। देन बात करें इसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में, मतलब पिक्चर क्वालिटी तो भाई रहेगी, मतलब लास्ट में आ गया मैं। वैसे ही 4K स्मार्ट टीवी है, HDR10+ का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है जो कि काफी अमेजिंग है। देन इसमें आपको 1 बिलियंस कलर्स मिल जाते हैं, जो कि आप कोई भी चीज देखोगे तो वो आपको एकदम बढ़िया लगेगी। पंची कलर्स आपको मिल जाते हैं, मतलब 1 बिलियंस आपको कलर्स मिलेंगे जैसे आप देख रहे हो कोई भी चीज स्मार्ट टीवी में, तो काफी बढ़िया और लुक वाइज काफी अमेजिंग आपको लगेगी। कोई भी चीज है, कार्टून देखो या एनी वेयर, मतलब एनी वे, मैं गलत ही बोल रहा हूँ भाई, कुछ भी देखो आपको बढ़िया ही लगेगी, क्योंकि इसमें 1 बिलियन कलर्स हैं जो चीजों को अट्रैक्टिव बना देते हैं। देन बात करें इसके ऑडियो क्वालिटी की, तो आपको इसमें ऑडियो क्वालिटी भाई काफी अच्छी मिल जाती है, मतलब आपको इसमें 30 वॉट के आपको इसमें स्पीकर मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी आपको देते हैं, क्योंकि भाई डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है, तो भाई उसकी क्वालिटी भी काफी बढ़िया, मतलब काफी अमेजिंग आपको इसमें ऑडियो क्वालिटी मिलती है। देन बात करें इसके वन प्लस ऐप के बारे में, जो है वन प्लस कनेक्ट 2.0 ऐप, उससे आप बहुत सी चीजें ऑपरेट कर पाओगे, मतलब कि इस स्मार्ट टीवी को भी आप उससे फुल्ली ऑपरेट कर पाओगे, तो ये चीज बढ़िया है वन प्लस ऐप में। देन ओवरऑल चीजें भाई यही है इस स्मार्ट टीवी में, मतलब है ना भाई, और स्मार्ट टीवी से अलग चीज जो ऊपर से आप लगा लोगे, वेबकैम की तरह लगा लोगे आप उसको, जो कैमरा जो है वो काफी बढ़िया। देन आपको इसमें ऑक्सीजन प्ले में भी काफी चीजें अपडेट मिलती है, तो इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू देना चाह रहा था कि चीजें और स्मार्ट टीवी से काफी बढ़िया। तो दोस्तों अगर आपको इसको चेक करना, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं। अलग अलग प्राइस वेरिएंट में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच, ये 3 वेरियंट है, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, काफी बढ़िया काफी प्रीमियम क्वालिटी की स्मार्ट टीवी है। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसी ही रिव्यू की वीडियो लाते रहते हैं।